अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको लास्ट 3 लेक्चर्स की जो है हमारा ऑनलाइन लेक्चर जो लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, उनकी समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई मसला है तो वो कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। और क्वेश्चन नंबर 11 एक्चुअली थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि प्रूव दैट जी बार इक्वल टू जी, इफ ये लिखा है हमारे पास आई डबल एफ, इफ इसको पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ जी इज अ रियल नंबर, ठीक है। मतलब कि जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हमें ये कहती है कि अगर हम जो है एक जी जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर उस कम्प्लेक्स नंबर को हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, मतलब फ़र्ज़ कर लिया हमने कि वो एक रियल नंबर है, तो हमने उसको साबित करना है कि जी इक्वल टू जी बार के होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्सली मतलब उलट उलट हमने क्या करना है उसका, कि हमने इस जी इक्वल टू जी बार को हमने लेके चलना है कि लेट के जी इक्वल टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके इक्वल है, जी के बार के। तो वहाँ से हमने साबित करना है कि वो एक रियल नंबर है, ठीक है। तो सपोज कर लिया हमने फर्स्ट केस में कि सपोज दैट जी इक्वल टू ए प्लस योटा बी इज़ अ रियल नंबर। अगर हमने उसको सपोज कर लिया है तो इट मस्ट बी बी इक्वल टू जीरो, मतलब कि अगर हम जी को जो है रियल नंबर मान लेते हैं तो उसका यही मतलब बनता है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है ना योटा बी वो जीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि दिस इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू जीरो, मतलब हमने जी को एक रियल नंबर माना है तो अब बी इक्वल टू फिर जीरो होगा, ठीक है। तो जब बी इक्वल टू जीरो इसमें पुट करेंगे तो जी इक्वल टू जस्ट हमारे पास ए बच जाएगा, जी इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर ए, यानी कि उसका रियल पार्ट ओनली। तो इसका जब हम बार लेंगे, जी का बार मतलब इसका बार, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वही ए आ जाएगा, ठीक है, ए आ गया। तो आप देख सकते हैं जी इक्वल टू ए आया था, फिर हमने जी का बार लिया, ए का बार आपको पता रियल नंबर का बार रियल नंबर ही होता है, ठीक है, तो जी बार भी वही, वो भी हमारे पास ए आ गया। तो जी और जी बार दोनों का आंसर क्या आया, ए ए, मतलब रियल नंबर आ गया, ठीक है। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चले थे और इसको हमने रियल नंबर बता दिया। अब हमने लेट कर लेना है कि लेट जी इक्वल टू जी बार के है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लेट किया था ऊपर ए प्लस योटा बी वो किसके इक्वल है, ए प्लस योटा बी उसके बार के, मतलब कि योटा बी का जो ए प्लस योटा बी का जो बार होगा वो हमारे पास बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ए इक्वल टू योटा बी इज इक्वल टू ए माइनस योटा बार, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि ए जो है वो ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो जब इधर भी ए प्लस का है और इधर भी ए प्लस का है, जब हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये ए प्लस और ये ए माइनस का हो जाएगा, इधर आके वो कट जाएंगे, तो हम इसको इस तरह भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब बच गया
प्लस योटा बी, दूसरी तरफ माइनस योटा बी। जब माइनस योटा बी ये भी दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का योटा बी बन जाएगा, तो योटा बी प्लस योटा बी, तो ये 2 योटा बी हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, योटा बी प्लस योटा बी वो 2 योटा बी बन जाएगा। अब आप हम जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर वो 0 के इक्वल तो हो नहीं सकता। ठीक है, 2 कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो जो बी है वो ही हमारे पास 0 के इक्वल हो सकता है। अगर ये बी के इक्वल 0 होगा तो हम फिर क्या करेंगे, जो हमने लेट किया था कम्प्लेक्स नंबर जी इक्वल टू ए योटा बी, तो उसमें जी बी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो दोबारा आप देख सकते हैं कि जी इक्वल टू हमारे पास ए बचेगा। ठीक है, ये बॉक्स भी बॉक्स में लिखा है जी इक्वल टू ए। जब हमने बी इक्वल टू 0 पुट किया, कहाँ से, 2 योटा बी इक्वल टू 0, तो हमने बी इक्वल टू 0 रखा, यहाँ से ये वाली वैल्यू हमने इसमें पुट की, तो जी इक्वल टू किसके आ गया, ए के। तो आप देख सकते हैं कि जी हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, रियल नंबर आ गया ना, जस्ट हमारे पास रियल पार्ट बचा है ए। तो इससे क्या हम जो बात साबित होगी कि जी इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, हम कम्प्लेक्स नंबर लेके चले थे और उसको हमने रियल नंबर साबित कर दिए। दूसरा केस जो है, इसमें हमने जो है ऊपर वाले केस में हम कम्प्लेक्स नंबर जो लेट किया था उसको हम रियल मान के चले थे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि उसको रियल ही साबित कर दिया। दूसरे जो क्वेश्चन में हमने करना है उसमें हमने जो कम्प्लेक्स नंबर सपोज किया है जी इक्वल टू ए प्लस योटा बी इज प्योर इमेजिनरी। अब हमने इसको प्योर इमेजिनरी पार्ट जो है, प्योर इमेजिनरी नंबर लेके चलना है। मतलब कहने का है कि अगर प्योर इमेजिनरी होगा तो प्योर इमेजिनरी में आपको पता है कि उसमें रियल पार्ट नहीं होगा। मतलब कहने का कि जी इक्वल टू ए प्लस योटा बी है ना, तो इसमें ए जो है वो 0 होगा। प्योर इमेजिनरी तभी बनेगा ना, जस्ट हमारे पास जब ए योटा बी ही होगा इसमें। ठीक है, यानी कि जी इक्वल टू योटा बी होगा। ठीक है, तो हमारे पास प्योर इमेजिनरी बनेगा। इसका मतलब हुआ कि हम अगर लेट करते हैं कि ये एक प्योर इमेजिनरी है, तो इसका मतलब हुआ कि वो ए इक्वल टू 0 होगा इसमें। ठीक है, जब ए इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जी इक्वल टू बी योटा या योटा बी बचेगा। ठीक है, तो हम जब इसका जो है इक्वल टू, हम इसको इसका बार लेंगे जी का, जो हमारे पास प्योर इमेजिनरी आया इसका जब बार करेंगे, तो जब बार करते हैं ये हमने बार किया, तो योटा वाली वैल्यू का आपको पता है कि साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस था तो ये जी बार इक्वल टू माइनस योटा बी आ गया, या बी योटा आ गया। ठीक है, अब जो है हमने इसको इक्वल रखा जी इक्वल टू माइनस जी बार। देखो, जब हम जी इक्वल टू लिखा है इधर के माइनस जी बार के, अब जी बार की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली माइनस योटा बी। जब माइनस और ये वाला माइनस प्लस होगा तो बी योटा बच जाएगा, तो जी हमारे पास क्या, वो भी बी योटा है, तो बी योटा इक्वल टू बी योटा आ गया। ठीक है, अब कन्वर्सली हमने क्या करना है कि इसको हमने लेके चलना है। ठीक है, इसको हमने जी इक्वल टू माइनस जी का बार ये हमने लेके चलना है और इसको साबित कर देना है कि ये एक प्योर इमेजिनरी है। तो जी इक्वल टू माइनस जी बार के, जी की वैल्यू है ए प्लस योटा बी इक्वल टू माइनस इंटू जी का बार क्या है, वो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस योटा बी का बार। तो ये बार आ जाएगा, बार करेंगे खत्म करेंगे तो ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट स्टेप में है नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ जाएगा ए प्लस योटा बी इक्वल टू माइनस जो है ए योटा बी ये वाला, क्योंकि जो माइनस बाहर था ना ये वाला,
ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो ए हमने क्या किया कि रियल पार्ट एक तरफ कर लिया और इमेजिनरी पार्ट जो है वो एक तरफ कर लिए। ए तो ये माइनस वाला ए इधर आके प्लस का ए हो जाएगा, तो इधर योटा बी प्लस का है, इधर माइनस का है, तो ये इधर आके माइनस का हो गया। योटा बी माइनस योटा बी ये दोनों जो है प्लस माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बच गया ए प्लस ए, 2a = 0। तो यहाँ से ए तो जो 2 है वो तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए a = 0 क्या आ गया। अब जो हमने लेट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें अगर ए पुट करते हैं = 0 के, तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि वो जो है जस्ट उसमें बी ओटा बचता है, मतलब प्योर इमेजिनरी नंबर बचता है। तो हमने यही साबित करना था कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करते हैं, तो उसको हम अगर साबित कर देते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कि वो एक प्योर इमेजिनरी नंबर है, तो हमारे पास इसका दूसरा जो केस है वो कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि हम जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, ठीक है। तो अगर हम उसको प्योर इमेजिनरी करना है, तो हमने ये साबित करना है कि इसमें जो रियल पार्ट है वो 0 है। अगर हम रियल पार्ट को 0 साबित कर दें कि वो उसमें रियल पार्ट जो है वो 0 है, तो बाकी हमारे पास फिर योटा भी बच जाएगा, जो कि हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमने साबित करना है कि इनके जो रियल पार्ट को सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, ठीक है। तो करना जो है हमारे पास, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने रेशनलाइज किया था कुछ क्वेश्चन क्वेश्चंस को, तो उसमें शायद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 7 8 है, ठीक है। तो आप उसको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 में हमने एक्चुअली जो भी क्वेश्चन आए, अगर तो वो इस फॉर्म का है, 2 + 3 योटा / 4 + 7 योटा है, तो सिंपल आपने इसको रेशनलाइज कर देना है, ठीक है। मतलब नीचे वाले के साथ, नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी इधर है ना 4 + 7 योटा, इसका साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई कर देना और इसी के साथ डिवाइड कर देना। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने 2 + 3 योटा को मल्टीप्लाई कर देना 4 - 7 योटा के साथ, ठीक है। तो नीचे वाले को 4 + 7 योटा को 4 - 7 योटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हमारे पास ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके तो ये आंसर आया, ठीक है। नीचे हमारे पास आ गया 4 का स्केयर जब इनको मल्टीप्लाई किया। तो नीचे वाले जो होते हैं मोस्टली उनको मल्टीप्लाई करने का यही तरीका होता है कि वो एक दफ़ा प्लस में लिखे होते हैं, एक दफ़ा माइनस में। तो सिंपल आपने पहले रियल पार्ट का स्केयर माइनस फिर इमेजिनरी पार्ट का स्केयर कर देना, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद हमने इसको सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया 29 - 2 योटा / 16 + 49। 16 + 49 किया तो हमारे पास 65 आ गया। अब हमने करना है जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर है, यानी क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो हमने फाइंड करना है। तो लास्ट स्टेप में आपने 65 को 29 से भी डिवाइड कर देना, माइनस फिर 65 को 2 से टू पे डिवाइड कर देना, मतलब 2 को 65 पे डिवाइड कर देना, ठीक है। लेदा लेदा डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 29/65 माइनस, ऑन कर क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका सेकंड पार्ट है 1 + योटा का स्केयर ओवर योटा। तो इसमें आपने सिंपल ऊपर जो है ए प्लस बी वाला फार्मूला ओपन कर देना, ठीक है। मतलब 1 का स्केयर + योटा का स्केयर, ठीक है, +2 फार्मूले वाला ए बी योटा मल्टीप्लाई बाय 1 योटा आ जाएगा, ठीक है। 2 योटा आ गया ओवर योटा। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 1 + योटा स्केयर की वैल्यू -1 आ गई, +2 योटा, तो ये 1 + - माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 और माइनस के 1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच गया 2 योटा ओवर योटा। 2 योटा ओवर योटा 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 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास आंसर जो है वो 2 आ गया।
तो हमारे पास इसका जस्ट हमारे पास रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इसका है नहीं, ठीक है। अगर इमेजिनरी पार्ट देखना तो वो हमारे पास जीरो है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर हुआ ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। जो क्वेश्चन रह गए हैं इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में देखेंगे। और इसके साथ जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपके ज़िम्मे हैं, ठीक है। उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी को मसला आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।